नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के धनबाद में एम्पेयर में रैंक द्वारा कोयले ढुलाई के विरोध में मशाल चलाकर विरोध। निरसा के हाईवे एसोसिएशन के लोगों द्वारा एम्बेलोपी अंतर्गत गणेश स्थान के जुलूस की शक्ल में सैकड़ों हाईवा मालिकों ने नारेबाजी करते हुए एम्पेयर के मुख्य द्वार पर मशाल चलाकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं एसोसिएशन के अध्यक्ष उज्ज्वल तिवारी ने कहा कि एमपीएल द्वारा हाईवा मालिक के ऊपर पेट में लात मारने का काम कर रही है। हाईवा से 50,000 लोगों के घरों का जीवन यापन चल रहा है। यदि हाईवा बंद हो गया तो लोग भूखे मरेंगे और बेरोजगार हो जाएंगे। इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से ये एमपीएल प्रबंधन को आगाह कर देना चाहते हैं, हम रेल का एक भी चक्का नहीं चलने देंगे और सड़क पर उतरकर सड़क से लेकर सदन तक हम लोग का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। मौके पर हाईवा सहकारी स्वावलंबी समिति के अध्यक्ष उज्ज्वल तिवारी, सचिव श्रीकांत पांडे, स्थानीय हाईवा एसोसिएशन के अध्यक्ष लालू ओझा, सैकड़ों की संख्या में हाईवा एसोसिएशन मालिक इस जुलूस में शामिल हुए। निरसा से मधु गौराई की रिपोर्ट। हम लोग आज इसीलिए विरोध किए कि एमपीएल जो हम लोग के साथ बैठक कर करके और निशा विधानसभा में जितना हाईवा है उस हाईवा को चलाने के लिए सुनिश्चित किया था कि हम जब तक ले हाईवा को पूरा काम देंगे एकरा बाद ही रेल चलाएंगे। लेकिन अभी हम लोग को पता चला, सुनने में आया कि रेल घुसने वाला है और हम लोग से कोई भी वार्ता नहीं हुआ। यहाँ तक कि हम लोग पूरे निशा विधानसभा का गाड़ी का लिस्ट भी दे दिए थे कि भाई हम लोग को निशा विधानसभा में इतना गाड़ी है, इस गाड़ी का आप काम दे दीजिए, आप रेल चलाइए, इससे हम लोग को कोई आपत्ति नहीं। ये एमपीएल एग्री भी हुआ था, उसके साथ जिला प्रशासन भी था, एमपीएल का अधिकारी था, टोटल स्टेशन के लोग थे, सारा बैठक में फैसला हुआ था। लेकिन एमपीएल आज उस चीज़ को दरकिनार कर करके और चाह रहा है कि हम रेल घुसा देंगे। लेकिन यहाँ के हाईवा मालिक ऐसा होने नहीं देंगे, अपने हाईवा को काम लेकर के ही छोड़ेंगे और जितना भी बड़ा आंदोलन करना पड़े यहाँ के गाड़ी मालिक आंदोलन करने के लिए तैयार है और अपने हक को लेकर ही छोड़ेंगे। यही कहकर अपने बात डीसी साहब का चैम्बर में एसडीओ साहब की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी जिसमें एमपीएल के उच्च पदाधिकारी, एसोसिएशन और जिला प्रशासन तीनों उपस्थित थे और उस समय जिला प्रशासन द्वारा एमपीएल को सुझाव दिया गया था कि आप एक रोड मैप तैयार कीजिए ताकि निरसा में जो हाईवा मालिक है वो बेरोजगार नहीं हो, रोड मैप तैयार कीजिए। रोड मैप तैयार करने के बाद इन लोगों को विश्वास दिलाइए कि हाँ भाई आप लोगों का रोजी रोजगार के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा और आप लोगों का हाईवा का रोजगार मिलेगा और रोड मैप के बाद ही आप रैक के लिए कुछ सोचिए। मगर 4 महीना बीतने के बाद भी अभी हल्ला है कि रैक आएगा और हम लोगों को रोड मैप का कुछ जानकारी नहीं दिया। यही वादा खिलाफी है, इसके विरोध में हम लोग आज एक चेतना दिए उनको छोटा आंदोलन करके कि यदि अगला हम लोगों का डिमांड नहीं मानते हैं तो आगे हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे, जैसे भी होगा करेंगे। ये रोजी रोजगार का बात है, पेट के लिए आदमी कुछ भी करने के लिए तैयार है।